फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार हो गए, 9:15 हो गए, अभी तक गए नहीं, इसकी वजह से नहीं गए। ये इतना लेट करती है हमेशा ही। तो अब शादी में जा रहे हैं और 12 तारीख है आज। आज है शादी का तीसरा दिन। तो दूल्हा गए दुल्हन को लेने और अभी वापिस नहीं आया, शायद से ऐसा बोल रही हूँ मैं। अभी तक बाजे की आवाज़ सुनाई नहीं दिया, बाजे का इंतजार कर रहे थे हम। तो गांव में शादी है तो हम आराम से जा रहे हैं। और बाकी अब शादी में क्या क्या होता है, क्या क्या बन पाता है, शादी में दिखाएंगे। पानी की बोतल लेके जा रहे हैं आज साथ। कल पानी के लिए तरस रहे थे, बहुत रश पड़ गया था, पानी बड़ा लेट लेट मिल रहा था, तो आज बोतल खुद लेके जा रहे हैं पानी की भी। हो गई तैयार? चल। जैसे हम शादी में पहुंचे तो हमने जलेबी पकौड़े में आतंक मचा दिया और खाने के बाद अब आराम से फिर वीडियो, खाते समय वीडियो नहीं ली, अभी ले रहे हैं। इन सबको तो आप जानते ही हैं सभी, तो महिला मंडल के कुछ सदस्य हैं और बुआ जी और बबली और क्या नाम है इसका, नाम ही नहीं याद आ रहा, सुषमा, हाँ सुषमा और समृद्धि ठाकुर। हम चार फिर छोटी सी वीडियो बना रहे क्योंकि म्यूजिक था, यहाँ पर म्यूट करना पड़ा। क्या यहाँ पर हो रहे दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी और यहाँ पर रिबन बांधने जा रहा है। और आजकल रिबन बांधने का भी नया ट्रेंड आ गया भाई, यहाँ से सीधे रिबन को पकड़ो और खुल जाएगा, इस तरह से गांठ बांध के रिबन बांधा जा रहा है। मैं पहली बार देख रही हूँ इस तरह से, पहले कैंची से काटा जाता था, अब तो नया स्टाइल। विद्या ने मेरे पास ये हार वगैरह दे दिए, फूल का माला, और बारात पहुंच चुकी है गेट के पास, बस स्वागत करने वाले हैं। Thank you.
स्वागत हो गया। और यहाँ पर अब बैठे हैं आराम से और पानी वगैरह पिला रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और पानी प्यास बार बार लग रहा है सब कोई। तो यहाँ पर ये दे सकते हैं, पर लाइट की रोशनी के कारण उतना साफ नहीं आया है, चेहरा नहीं दिख पा रहा है ढंग से। तो ब्यूटीफुल दुल्हन है, सुंदर है दुल्हन, और क्या बोल सकती हूँ मैं। अब आप लोग खुद ही देखिए, डेकोरेशन खुद देखिए, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन की है। डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए रश कितना पड़ गया है, अभी सभी लोग आ गए हैं। और अब देखिए आप डेकोरेशन और रश कितना पड़ा है। पेंट बड़ा सुंदर लग रहा है मकान का, मेरे को तो अच्छा लगा पेंट जो किया है, और काफ़ी अच्छा लगा। शादी ब्याह में तो ऐसे ही होता है, अगर ट्रेडिशनल बाजा ने बजे तो म्यूज़िक चल पड़ता है, और इसलिए म्यूट करना होता है। मेरी सबसे छोटी दराणी है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का स्वागत हो रहा है गृह प्रवेश के लिए। अब गृह प्रवेश होगा और इस तरह से किया जाता है हमारा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं अकेले कैमरामैन नहीं होती हूँ वहाँ पर। जो शादी की वीडियो बननी होती है वो कैमरामैन भी होते हैं, फोकस उनको करना होता है, और हम लोगों को इसी तरह थोड़ा थोड़ा निकाल लेना होता है वीडियो। जितना मैं आप लोगों को शूट करके दिखा सकती थी उतना मैं दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि लाइट पड़ रही थी पर ऐसे कैमरा वालों का, और उस साइड को मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि देखिए जगह ही नहीं है, बहुत तंग है और रश पड़ जाता है, सभी देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट दूसरे दिन की वीडियो है ये, और गुड आफ्टरनून हो गया, 1 बज गए, और अभी जा रहे हैं हम लंच करने शादी में। तैयार हो गए, गले में नहीं पहना, अभी गले में पहन लेती हूँ। 2 दिन का वीडियो इकट्ठे डाल रहे हैं, पिछले कल का और आज का, और आज शादी का एंड है, लास्ट दिन है आज शादी का। तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे वीडियो हम बनाते हैं फिर मैं एंड करना भूल जाती हूँ, और शादी वाली वीडियो को एंड कर रही हूँ मैं आज 21 तारीख को, शादी जबकि 14 तारीख को ख़त्म हो चुकी है। तो लास्ट वाली शादी आप लोगों को कैसे लगी? लास्ट में मैंने 2 दिन का इकट्ठा कर दिया था, कैसी लगी आप लोगों की शादी? और ज़्यादा अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी कि काफ़ी अच्छे से शूट करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी, पर शूट नहीं कर पाई। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।